आज हम बनाएंगे एक कप चावल और एक चम्मच तेल का बहुत ही हल्का फुल्का जालीदार और टेस्टी नाश्ता। ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बन जाता है और हल्का भी होता है। जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे तो आप इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीएम रसोई में। नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कप चावल लिया था। चावलों को मैंने 2 से 3 बार अच्छी तरह से धोने के बाद इसे 2 घंटे भिगा के रख दिया है। ये देखिए चावल बहुत ही अच्छे से भीग चुके हैं, ये टूट रहे हैं, बस इसी तरह का हमें इसे भिगाना है। यदि आप ये नाश्ता सुबह बनाना चाहते हैं तो इसे आप ओवरनाइट भी भिगा के रख सकते हैं। तो चावलों का पानी मैंने निकाल दिया है, अब इसे हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी जार ले लिया है, जार में हम चावलों को डाल देंगे और इसे डालने के बाद हम इसे बिल्कुल फाइन पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें चावल डाल दिया है। अब इसमें हम 2 हरी मिर्च डाल देते हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा नाश्ते का। अब जितना हमने चावल लिया है उसका आधा हम इसमें दही डाल देते हैं। दही आप यहाँ पे खट्टा भी ले सकते हैं। कटोरी में मैं 2 चम्मच पानी डाल देती हूँ ताकि दही वेस्ट ना हो। इसमें पानी का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, बस मैंने छोटे चम्मच से 2 चम्मच डाला है। अब इसे हम स्मूथ सा पीस लेते हैं और ये लीजिए बहुत ही अच्छे से ये पीस चुका है। ये देखिए इसी तरह का हमें इसे बिल्कुल स्मूथ सा पीसना है। अब इसे हम एक बर्तन में पलट लेते हैं और ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें इसकी रखनी है। अभी इसमें हमें सूजी भी मिलानी है तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। मैं इसे दिखाती हूँ किस तरह से मैंने इसे पीसा है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा है ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे पीसना है। तो चलिए इसमें हम सूजी भी डाल देते हैं। तो जिस कटोरी से हमने चावल लिया है उसका आधा हम इसमें सूजी डाल देते हैं। सूजी आप इसमें बारीक मोटी कोई भी डाल सकते हैं। सूजी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो। तो इसे हमें बहुत अच्छे से मिलाना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे हम रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे हम ढक देंगे और ढक कर फूलने देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो जब तक सूजी फूल रही है हम नाश्ते के लिए चटनी भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी जार ले लिया है, जार में हम फ्रेश नारियल डालेंगे। फ्रेश नारियल की जगह पे आप सूखी नारियल का यूज़ भी कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया है, 2 हरी मिर्च डाल दी है और धनिया की पत्ती। अब इसमें हम 2 चम्मच के करीब दही डाल देते हैं। दही की जगह पे आप नींबू का रस या इमली भी ले सकते हैं, स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने भुने हुए बिना छिलके वाले चने लिए हैं, आप इसकी जगह पे चने की दाल या फिर मूंगफली भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच के करीब पानी डाल दिया है, अब इसे बिल्कुल स्मूथ सा हमें पीस लेना है। और ये लीजिए चटनी हमारी बिल्कुल बढ़िया से पीस गई है, ये देखिए इसी तरह के हमें इसे पीसना है। अब इसे हम एक बर्तन में पलट लेते हैं। तो मैंने इसे पलट लिया है। अब चटनी और बैटर के लिए एक तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तड़का पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है। इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, जीरा चटक गया है। तो इसमें हम 1/2 चम्मच उड़द की दाल और हींग डाल देते हैं। तो मैंने इसमें उड़द की दाल और हींग साथ में ही डाल दी है। 1/2 छोटा चम्मच चने की दाल डाल दी है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और ये देखिए तड़का हमारा बिल्कुल बढ़िया सा चटक गया है। तो 3 चम्मच के करीब हम इस तड़के को इस बैटर में डाल देते हैं। इससे नाश्ते का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, ज़रूर डालिएगा। अब बचे हुए तड़के में हम 3 लाल मिर्च डाल देते हैं और 3 से 4 करी पत्ते डालने हैं। इसे हल्का सा चटकने देंगे। ये देखिए लाल मिर्च और करी पत्ता भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब तड़के को हम चटनी में डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिला देते हैं। और ये लीजिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, चटनी हमारी बनकर तैयार है। अब हम इस बैटर को भी अच्छे से मिला देते हैं और ये लीजिए बैटर भी बढ़िया से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिला देंगे। तो बैटर नाश्ता बनाने के लिए तैयार हो गया है। नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे हम ट्रे ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ढोकला स्टैंड लिया है, आप थाली में भी बना सकते हैं या फिर केक टीन में भी। 1 चम्मच मैंने इसमें तेल डाल दिया है, तेल को अच्छे से पूरे ट्रे में फैला देना है। तो चलिए अब हम बैटर में इनो डाल देते हैं। इनो की जगह पे आप मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें इनो डाल दिया है। अब 1 चम्मच हम इसमें पानी डाल देंगे। इनो हमें इसमें बिल्कुल लास्ट में डालना है, जब हम नाश्ता बिल्कुल पूरी तरह से बनाने वाले हों तभी इसमें हम इनो डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे।
इनो डालने के बाद इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है। तो ये लीजिए, मैंने इसे मिक्स कर दिया है, अब इसे हम ट्रे में डाल देते हैं। और ये देखिए, इस तरह का बैटर हमें रखना है, बहुत ज़्यादा ये पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हमारा नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। तो मैंने इसमें डाल दिया, इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भरना है क्योंकि नाश्ता फूलता भी है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में एक गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें स्टैंड रख दिया है। अब इसमें हम ये नाश्ता रख देते हैं। आप चाहो तो इसे इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं। अब इसे हमें ढक देना है और ढक कर इसे हमें 15 मिनट तक पकने देना है। तो पहले हमें इसे 5 मिनट हाई फ्लेम पे पकाना है, फिर हम इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो इसे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, मैं देख लेती हूँ। और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बन के आया है, बहुत ही अच्छे से ये फूला हुआ है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस नाश्ते को निकाल लेते हैं। तो मैंने इसे निकाल लिया है, अब इसे हम किसी स्टैंड के ऊपर रख देंगे क्योंकि नाश्ता अभी गर्म है। तो इसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे, ये हल्का सा ठंडा हो गया है, पूरी तरह से ठंडा नहीं है। तो अब इसे काट भी लेते हैं। आपको इसकी जो शेप पसंद हो आप उस शेप में इसे काट सकते हैं। मैं इसे त्रिकोणीय शेप में काट रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो मैंने इसे काट लिया है, मैं आपको एक पीस निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है, जालीदार बनता है और खाने में बहुत टेस्टी। ना तो ये इडली की तरह लगता है और ना ही ये ढोकले की तरह, इसका अलग ही एक स्वाद आता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और जो इसके साथ खाने के लिए हमने चटनी बनाई है उसके साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलिए इसे हम सर्व भी कर लेते हैं। और ये लीजिए, मैंने इसे सर्व कर लिया है। मैंने इसे धनिया की पत्ती और लाल मिर्च से सजा दिया है ताकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन की बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।